जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब हम ये काम अच्छे से कर देते हैं तब हमें समझ आ जाता है कि गुरु जी के बिना हमारी ज़िंदगी की डोर नहीं चल सकती। इसलिए हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए ताकि गुरु जी हमारी ज़िंदगी को खुशियों से चलाएं। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अभी मेरे पिछले मंथ का जो है सत्संग जो है वो मैं शेयर करूंगी कि गुरु जी ने कैसी अपनी कृपा बरसाई, कैसे गुरु जी हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। हम शायद वो चीज़ सोच भी नहीं सकते जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं, और जो उनकी प्लानिंग है वो उन्होंने करके रहनी है। हम उसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, अपनी सोच नहीं अड़ा सकते, जितना मर्ज़ी हम कर लें वो चीज़ गुरु जी ने अपने हिसाब से करनी ही है। ये बात मार्च के लास्ट वीक की है। तो मेरे हस्बैंड ने ना प्लानिंग की थी, पहले बोल रहे थे कि हम ना छुट्टी हो जाएगी, हमारे बेटे के पेपर ख़त्म हुए थे तो हम सोच रहे थे कि छुट्टी हो जाएगी तो हम घूमने जाएंगे। तो मैं ना उनको बोल रही थी कि अभी एडमिशन्स आ जाएंगी, अभी घर का खर्चा है, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, ये वो ऐसे करके मतलब थोड़ा आनाकानी कर रही थी। तो उनके बोलने के थोड़ी देर पहले ही गुरु जी के मेरे को मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि कुड़िए घूमया फिरया कर, पैसे की चिंता ना करया कर, है ना। तो मैं समझ नहीं पा रही थी पहले तो क्या बोल रहे हैं। फिर जब इन्होंने मेरे से ये वाली बात की, मतलब इनके बोलने के थोड़ी देर पहले ही मैसेजेज आने स्टार्ट हो गए थे, मतलब ये है संगत जी कि गुरु जी हमें ना पहले उस चीज़ की इंडिकेशंस देनी स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें वो चीज़ जब हो जाती है ना तो हमें बाद में समझ आती है कि वो चीज़ की इंडिकेशंस क्या थी। तो गुरु जी के पहले मैसेज आए तो इन्होंने ना मेरे को पूछा, मैं पहले तो समझ नहीं पाई, फिर जब इन्होंने मेरे से दोबारा पूछा ना तो पहले मैंने ना हमने जैसे फ्राइडे को प्लान किया था कि फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे का प्लानिंग कर रहे हैं वीकेंड्स में, तो मैंने इनको पहले मंडे को पूछा कि जाना है कि नहीं जाना, तो मेरे को कहते कोई बात नहीं देखते हैं अभी। तो थर्सडे नाइट को इन्होंने मेरे को बोला कि हम चलते हैं, तो मैंने इनको बोला कि एकदम से कैसे चलेंगे, ऐसे नहीं होता। तो ये ना मतलब इनका मूड अपसेट हो गया, तो मेरे को कहते आपका हर बार का यही है, आपने ऐसे ही करना होता, कोई बात नहीं। तो मैं गुरु जी से लड़ूँ, गुरु जी कैसे होगा एकदम से जाना। तो फिर रात को मेरे को मैसेज आता है कि तू कुड़िए टेंशन क्यों लैनी, तेनों क्या ना तू घूमे फिरया कर, तू पैसे की टेंशन क्यों लैनी है। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि हाँ जब गुरुजी मेरे को इतनी देर से मैसेजेस दे रहे हैं, बता रहे हैं, मैं ही बुद्धू हूँ जो उन मैसेजेस को समझती ही नहीं हूँ। तो हम जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठे तो मैंने उनको बोला चलो चलो पैकिंग करते हैं, हम चलते हैं। तो मेरे को पहले बोलते रहे नहीं नहीं मैंने नहीं जाना ऐसे उससे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने छुट्टियाँ तो ली हुई है ना अब थ्री, तो कोई बात नहीं, आप घर पर बैठ के भी तो वेस्ट करनी है ना, कोई बात नहीं हम चलते हैं। तो मुझे तो पता ही था ना कि गुरुजी ने प्लानिंग की है हमारे जाने की, गुरुजी ने देखा है उस चीज़ के जाने का। तो मैं हमने प्लानिंग की, हम यहाँ से निकले तो मैंने बोला चलो गुरुजी साथ में चलते हैं। तो मैं हर टाइम जो है मेरे पास जो मैं गुरुजी के एक स्वरूप वाला ब्रेसलेट आता है मैं वो बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हर जगह पे ऐसे वो स्वरूप वाला ब्रेसलेट पहन के जाना। कई बार हम बाहर जाते हैं कई जगह पर हाथ लगते हैं उसके, तो जो नॉर्मल बीट्स वाला ब्रेसलेट होता है जिसपे सिर्फ जय गुरुजी लिखा है मैं वो पहन के जाती हूँ। तो मैंने ना वो पहना, तो घर से निकलते मैंने बोला चलो गुरुजी चलते हैं, आप बैठो कार में चलो चलते हैं। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलते, थोड़ी दूर घर से बाहर निकलने, पहले हम घर से बाहर निकलने लगे तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जो है वो मेरे आसपास घूमती है, हमारी गाड़ी के ऊपर घूम के साइड पे चले जाती है। तो मैंने जय गुरु जी कहा, मैं कहा शुक्राना गुरु जी। हम थोड़ा सा आगे गए, आगे जाके मैंने कहा गुरु जी कहाँ रह गए आप, है ना। तो बटरफ्लाई दिख नहीं रही, मतलब जैसे हमारे दिमाग में जो चीज़ फंसी कि हाँ गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं या कुछ। तो मैंने ना हम जैसे ही आगे गए तो मैंने देखा जहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हुए, आगे ट्रैफिक था खड़े हुए, तो साइड पे जो है मुझे शिव भोलेनाथ की जो है मूर्ति दिखी जिसमें जटा खुली होती है, गंगा है और डमरू के हाथ में जो शेप में आती है ना उनकी एक पिक्चर और मूर्ति आती है वो वाली। तो और जो हमारी प्लानिंग थी जाने की वो भी थी हरिद्वार और ऋषिकेश की। सबसे पहला गुरुजी ने इंडिकेटर बटरफ्लाई में दिया कि मैं आपके साथ ही हूँ जा रहा हूँ, उसके बाद हमें सबसे पहले वो गंगा मूर्ति की जो है शिव जी जी की वो हमें दिखी। तो मैं खुश हो गई कि हाँ गुरु जी आपकी प्लानिंग सॉरी तो आप ही जा रहे हो हमारे साथ। उसके बाद हम गए
और संगत जी आगे गए, थोड़ी दूर जाते ही फिर रास्ते के हाईवे में एक बहुत बड़ी शिवलिंग शिव जी जी की मूर्ति आती है, हमें वो दिखी। और सारे रास्ते में हमारे साथ जो है जब बटरफ्लाइज और जब बटरफ्लाइज नहीं दिखती थी तो फिर जय महाकाल की या जय गुरु जी की ऐसी गाड़ियाँ हमारे साथ रही। एक दो बार तो ऐसे हुआ जब हम जैसे ऋषिकेश में एंटर हरिद्वार में एंटर किए, हरिद्वार के एंटर से थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ जो है एक जय गुरु जी की कार जो है वो हमारे साथ जो है चलती गई। दो बार ऐसे हुआ कि हमारा जो रास्ता था वो चेंज हुआ, पीछे से वो कार आती थी जय गुरु जी लिखी हुई, वो कार आती थी, जहाँ जहाँ वो कार जाती थी हमारा रूट वहीं पर होता था, जैसे गुरु जी हमें लेके जा रहे हो ये रूट से नहीं जाना, आपने ये रूट से जाना है। फिर हम जब हरिद्वार में पहुँचे तो वहाँ पर जाके देखा तो पहले हमें था गंगा आरती देखनी है, वो तो निकल गई। तो मेरे हस्बैंड ना कहते मैं होटल देख के आता हूँ, आप यहाँ पे बैठो। तो हम ना वहाँ पे बैठे थे बाहर कार में, तो वहाँ पे भी ना पहले हम भटक गए रास्ता, तो एक वाइट बटरफ्लाई आई और कार आई जय गुरु जी वाली, तो वो जहाँ पे टर्न कर रही थी ट्रैफिक में हम सेम वहीं पे गए और बाहर ना कार इन्होंने साइड पे लगा दी, और दूसरे जो बाहर खड़े होते हैं ना लोग वगैरह जो होटल्स वगैरह दिखाते हैं या उनके साथ ना ये चले गए। हम कार में बैठे तो मैं ना अपने मन में बोलूँ गुरु जी हम यहाँ तक तो आ गए, मतलब अच्छा सा रूम ही मिले कि मतलब उसके पास ही मिले कि ज़्यादा दूर ना हो, बच्चे के साथ मुश्किल हो जाएगी इतनी दूर आने जाने में, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो ये आधे घंटे बाद आते हैं, मुझे कहते हैं कि अच्छा अच्छा रूम मिल गया। मैं कहा ठीक है। हम जब जाते हैं संगत जी आप बिलीव करोगे, हम जिस होटल में रुकते हैं एक तो वो गंगा घाट जो है हर की पौड़ी जिसको बोलते हैं हम, उसके जो है 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स भी ज़्यादा ही है, विद इन 10 मिनट्स और 5 मिनट्स का रास्ता था वहाँ से होटल का। और जो जब हम एंटर हुए तो वहाँ पे जो है बाहर की गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी उस एरिया में जाने के लिए, तो सबसे पहले हमें तो एक तरह का वो VIP ट्रीटमेंट ही हो गया कि सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी एक जो वहाँ पे वो वाले वे में लेन में एंटर हुई, और कोई भी गाड़ी जो है एंटर नहीं हो सकती थी वहाँ पे। ठीक है, हमारी गाड़ी वहाँ पे जाके गुरु जी ने एंटर करवाई, बिल्कुल सेफली वहाँ पे सेट हो गया। और जैसे ही मैं सामान लेके होटल के अंदर गई तो मैंने क्या देखा कि सामने येलो कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप है। मैं तो देख के इतनी खुश, मैं इनको भी बताऊँ मम्मी को भी बताऊँ, मैंने कहा देखा सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी ट्रिप की प्लानिंग की थी सारी, और इतनी अच्छी प्लानिंग थी गुरुजी ने प्लानिंग की है तो कैसे बेटर नहीं होगी, है ना। तो वहाँ पे जाते ही मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आपने जो होटल भी दिया हमें वहाँ पे भी आप पहले ही मौजूद थे, आपकी प्लानिंग है सारी, इतनी खुशी मेरे को। तो वो चीज़ सोच सोच के रात को भी आई है, हाँ हम गुरुजी के होटल में रुके, गुरुजी ने हमें रुकवाया यहाँ पे, है ना। तो वहाँ से जाके फिर हमने सारा किया, वहाँ पे भी मेरे को 2-3 बटरफ्लाइज मिली वहाँ पे जाते ही, है ना। तो सारा ट्रिप बहुत आते हुए भी गुरुजी ने हमारे साथ साथ ही बटरफ्लाइज, वाइट कलर की बटरफ्लाई जो है वो तो मेरे साथ साथ ही रही है ना, वहाँ पे भी गुरुजी एकदम साथ ही रहे हैं, मतलब छोड़ते नहीं हैं गुरुजी आपका साथ, कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको, बस उनके ट्रस्ट करना है, अपनी जो दिमाग है वो साइड पर ही रखना है। मैं ये चीज़ तो मैंने भी देख लिया है, मतलब मैंने भी सत्संग से सीखी है कि अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जब गुरुजी कोई प्लानिंग करते हैं अपना दिमाग को साइड पे रखना चाहिए। एक तो ये हो गया संगत जी, एक मेरा सत्संग है कि हमारी प्लानिंग गुरुजी ने कैसे बनाई इससे पहले है कि मेरे को ना कितनी देर से मैसेज आ रहा था कि शिव पुराण पढ़ा कर, शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। तो मैंने ना दिसंबर के लास्ट में ना मैंने अपने हस्बैंड को और मम्मा जो है मेरे वो बुक स्टोर में काम करते, मैंने उनको ना बोल दिया था, तो मेरे को शिव पुराण चाहिए, मेरे को था कि न्यू ईयर पर स्टार्ट करूँगी मैं गुरुजी के। तो मैं देख रही थी वो ना मंथ निकल गया मेरा दिसंबर का भी नहीं आई, तो 1 मंथ हो गया, मैंने पूछा कहते नहीं सब पैसे स्टॉक ख़त्म है, नहीं आ रही नहीं आ रही। तो मैंने ना गुरुजी से बोला गुरुजी मैंने ना अब किसी को नहीं बोलना, अब जब आपकी मर्जी होगी ना आप तभी मेरे को शिव पुराण देना, उससे पहले मेरे को भी पता मेरे पास नहीं आनी, जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं है ना मैं वो चीज़ नहीं पढ़ सकती और आपने मेरे पास नहीं पहुँचानी। तो क्या हुआ कि दिसंबर का मंथ निकल गया, जनवरी का मंथ निकल गया, ठीक है, फरवरी भी निकल गया, तो मैं बोली जा रही हूँ गुरुजी तो मेरे को ना मैसेज आने शुरू हो गए फरवरी के एंड में, तेरे को शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पे तेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी जैसे आपकी मर्जी, खुश हो जाए शिवरात्रि। तो मेरे को ना मैसेजेज आने शुरू हो गए, तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि गुरुजी ने क्या, मतलब मेरे को था कि गुरुजी शायद दर्शन देंगे या मतलब बड़े मंदिर का होगा या कुछ ऐसे, तो मेरे को ना शिव पुराण का दिमाग में भी नहीं था उसका। तो पहले जनवरी में मेरे को नए साल में मैसेजेज आते थे कि शिव पुराण पढ़े कर या सुने, तो मैंने ना बोला मैं कहा गुरुजी दोगे तो करूँगी, तो सुनने से मैं कहा टीवी पे लगाओ या उसमें ऑडियो सुनो, मेरे को वो मजा नहीं आता, मेरे को पढ़ने, आपने बोला ना पढ़े कर, तो मैं मेरे को पढ़नी है। तो क्या होता है शिवरात्रि के एक दिन पहले
शाम को जब मम्मा आते हैं तो आके शिवरात्रि के एक दिन पहले जब गुरुजी ने बोला कि आज शाम को तेरे को एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, और शिवरात्रि के एक दिन पहले शिव पुराण जो है हमारे घर आ जाती है और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने कहा गुरुजी ये बात तो है, जितना मर्जी कर लो, जब आपने जो टाइमिंग आपने फिक्स की है ना उस चीज़ की। और वाकई मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के आगे रख के गुरुजी का छोटा सा अपना सत्संग करके, मैं और मेरा बेटा हम कर लेते हैं गुरुजी का सत्संग करके, गुरुजी की आज्ञा के साथ मैंने वो चीज़ शुरू शिव पुराण है वो स्टार्ट की। और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि गुरुजी ने इतने अच्छे दिन वाले दिन मेरी शिव पुराण स्टार्ट कराई पढ़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी की कोई भी चीज़ है ना वो हम नहीं कर सकते कि हाँ गुरुजी ने अब क्या करना है क्या चीज़ है, बस हमें जो अपना दिमाग है वो बंद करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। हमें गुरुजी की प्लानिंग कभी नहीं समझ आएगी, कभी भी नहीं समझ आएगी हमें। जब गुरुजी बोलते हैं ना कि हाँ मैसेजेस आते हैं कि आज मैं तेरे को तितली रूम में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी ने वाकई वो चीज़ की होती है। कल भी मेरे को रात शाम को मैसेज आया था मैं तेरे को तितली रूप में ब्लेस करके जाऊंगा, तो फिर गुरुजी ने क्या किया था, मेरे पहले मेरे को ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखी, ऊपर ब्लैक कलर की थी, और मेरी मम्मा का फ़ोन आया कि डुगरी गए थे, उनको ना एक स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप, बहुत ही अलग कलर का चोला पहना उन्होंने, कॉफ़ी कलर का या कुछ ऐसे कलर का। तो मैं उनको बोल रही चोला दिखाओगे तो को पता चलेगा मैंने ऐसे स्वरूप नहीं देखा अभी। तो मैं अपने बेटे को ला रही थी तो शॉप पे खड़ी थी मैं फ्रूट्स वाली, तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई आती ब्राउनिश सी थोड़ी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स है, इतनी सुंदर। पहले सारे मेरे आसपास उसने चक्कर लगाए, गुरुजी मैंने जय गुरुजी बोला जय गुरुजी बोला, इतनी मेरे बेटे के आसपास चक्कर लगाए और आके सामने हमारे बैठ गए ना। मैंने इतनी खुशी, फिर जो दो मिनट बाद मेरे को नहीं दिखी मैं फिर से गुरुजी आप कहाँ पे चले गए हो आ जाओ आप, फिर से उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपना दिमाग बंद करने की ज़रूरत है। जब गुरुजी बैठे हैं तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ जो है गुरुजी ने ही करनी है, उनकी प्लानिंग के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और जो उनकी प्लानिंग पे जिस टाइम पे हमें जो चीज़ मिलनी है ना उसी टाइम पे ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी उसके बाद नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ अपना जो दिमाग है, मैं खुद को भी बोलती हूँ कि अपना जो दिमाग है वो बंद रखो, जब गुरुजी बैठे हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने अपने आप वो चीज़ कर लेनी है। आप जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी है ना उनके हाथ में दे दो बस, कि आपको चलानी है, आप इसको कैसे चलानी है, डूबनी है तारनी है आपके ऊपर है, आपने क्या करना है उसको। तो संगत जी थैंक यू, गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम अपनी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी की डोर को गुरुजी के हवाले कर देंगे तो गुरुजी उसको खुशियों से भर देंगे, क्योंकि हम जितनी भी कोशिश कर लें जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। इसलिए बेटर है कि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं कि गुरुजी के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। इसलिए सारी संगत को अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथ में थमा देनी चाहिए कि अब आप ही जानो आपने हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भरनी है या हमें दुख देने हैं। दुख ऐसा नहीं है कि हम गुरुजी को अपनी लाइफ सौंप देंगे, ज़िंदगी की डोर थमा देंगे तो हमारी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन गुरुजी उससे निकालने का तरीका भी बताते हैं, गुरुजी उससे हमें निकलवा भी देते हैं, गुरुजी उसको छोटे में ही दुख ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम सबको अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथ में थमा देनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारे सारे काम बनेंगे और तभी हम खुश भी रह पाएंगे। हम जितनी भी अरदास कर लें होना वही है जो हमारे लाइफ में अच्छा लिखा है। इसलिए पहले ही ये बात अच्छे से समझ जाएं और गुरुजी के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर को थमा दें और ये भी कह दें कि अब आप जानो आपको हमारी लाइफ कैसे चलानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।